मन में आया तो हम लीडो खेल रहे थे टेंशन में, जब पति छोड़ दिया तो जानबे करते हैं टेंशन। लेकिन अभी जो हमारे सामने महिला बैठी हुई है, इनको प्यार हुआ है लूडो से। यही लड़का था जो सामने बैठी हुई है, यही लड़की थी जो कि लूडो से इनको इनका प्यार हुआ। पापा मम्मी बोले कि जहर खिला दिया, वैसा ऐसा इंसान के छोड़ो, अपना अकेले कमाओ खाओ भाव। अच्छा यही फोटो जरा देखिए एक बार कि हाँ लड़का सही में शादी किया हुआ है, माला डालते हुए यहाँ पे फोटो है, आप देख सकते हैं फोटो में साफ साफ आपको दिख रहा होगा। मतलब कि लूडो पे जिस लड़का से प्यार हुआ उसका भी शादी हो गया, उसका भी पहले से बच्चा है। इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए, फेसबुक डाउनलोड करिए, अच्छा अच्छा लड़का मिलेगा उस पे। हमको लड़का पर से भरोसा टूट गया, नहीं छोड़ेंगे, मतलब उसको सजा दिलवा के रहेंगे, सजा दिलवा के रहिएगा ना। इंस्टाग्राम फेसबुक और रॉन्ग नंबर पे प्यार तो आपने सुना होगा, लेकिन अभी जो हमारे सामने महिला बैठी हुई है, इनको प्यार हुआ है लूडो से। दिन रात लूडो खेलती थी, लूडो से प्यार हुआ, अब प्यार उसी से हुआ जो कि पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, उनसे इनको प्यार हुआ। इनका भी पहले से शादी वगैरह हो चुका था, फिर से दोहरा करके इनको प्यार हुआ। अब जा करके क्या मामला है, पूरा मामला हम जानेंगे। सबसे पहले नाम अपना बता दीजिए आप। मुन्नी नाम है। अच्छा आपका नाम मुन्नी है। हाँ। अच्छा आपका शादी पहले से हो गया था? हाँ मेरा शादी बचपन में हो गया था। बचपन में? हाँ। बचपन में कोई शादी करता है? अब पापा मम्मी कर दिए तो। कितना साल की उम्र में शादी हुआ था? लगभग मम्मी से पूछते तो बोलती है 10-11 साल के थी। 10-11 साल में शादी हो गया था? हाँ। यहाँ देखिए क्या कह रही है, 10-11 साल में शादी हो गया था। 10-11 साल की उम्र में शादी होता है कहीं? नहीं होता है। अच्छा ये बताइए 10-11 साल की उम्र में शादी हो गया, अभी कितने बच्चे बच्चे हैं आपके? तीन है। तीन बच्चे हैं। इसके बाद आपका पति जो पहला पति था वो क्यों छोड़ दिया आपको? वो बहुत नशा करता था, मारता था, पीटता था हर बात पर, कि दहेज कम मिला था और सोने के लिए पलंग उलंग जो भी दान दहेज नहीं मिला था इसकी वजह से मारता था। तो अब फिर उसके बाद पॉइजन खिला दिया, फिर भी हम बाहर भी खिला दिया। हाँ एक बार जो अनाज में डालने वाला पाउडर था वो खिला दिया, मारता पीटता था तो हम बर्दाश्त करके रह गए। मतलब पहला पति आपको मार पीट करता था? हाँ, तो बर्दाश्त कर लिए। हाँ, जहर खिला दिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। नहीं किए, पापा मम्मी बोले कि जहर खिला दिया, वैसा ऐसा इंसान के छोड़ो, अपना अकेले कमाओ खाओ, भगवान बेटा दे दिया है, बेटी दे दिया है, अपना बच्चा के साथ रह जाओ। कहाँ रह के कमाती खाती, क्या करती है? मम्मी के घर पर रहते हैं अभी तक भी। अपने ही घर में रहते हैं? हाँ, अपने ही मम्मी घर में रहते हैं। मम्मी क्या काम करते हैं? ये खाना बनाते हैं विद्या आश्रम में। अच्छा विद्या आश्रम में खाना बनाते हैं, पटना में? हाँ। देख लीजिए ये जो महिला सामने भी हैं, पटना विद्या आश्रम में खाना बनाती हैं। पहला पति के साथ इनका तलाक हो गया है क्योंकि ये जहर खिला दिया था, मारपीट करता था, घर में गाली गलौज और दहेज मांगता था क्योंकि दहेज कम मिला था। अच्छा ये बताइए आप दूसरी बार आप लूडो से कैसे प्यार हो गया, लूडो वाला कहानी जरा जानना चाहते हैं हम। हाँ तो वो 5-6 साल तो हम लोग लूडो नहीं खेले, उसके बाद क्या मन में आया तो हम लूडो खेल रहे थे टेंशन में, जब पति छोड़ दिया तो जानबे करते हैं टेंशन कितना रहता है। तो इसी करते करते खेले, कुछ दिन खेले तो साल भर के बाद फिर उससे बात हुआ, बात विचार किया, वो भी किया हम भी किए, बात करते करते अच्छा लगा। हम उससे शादी का बात नहीं किए, वो हमसे शादी का बात किया। जब ऑनलाइन लूडो खेलते थे तो आपको ये नहीं लगता था कि लूडो खेल रहे हैं तो अगला इंसान कैसा होगा, चोर होगा, चमार होगा, आतंकवादी होगा? अब बात करने लगे उसे, बात करना ही तो बहुत बड़ा बात है, बात ही नहीं करना चाहिए आपको? तो बात की है। हाँ। बात की है तो फिर गलती है ना आपका, बात किए तो। हाँ बात किए तो गलती, पछता रहे हैं। पर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद शादी का बात किया, हम बोले हम बिना अपने मर्जी से शादी नहीं करेंगे, हमारे घर में भी इज्जत है। तब बोला कि हम करें मम्मी पापा से बात करेंगे, वो आया था, बात किया मम्मी पापा से। कभी लड़का से आप पूछे कि तुम क्या करते हो जीवन में? हाँ। कोई रोजगार धंधा? हाँ मुंबई में काम करता है। क्या काम करता है? वो मती कपड़ा दुकान में रहता था। अच्छा कपड़ा दुकान। शादी उसका पहले से हो गया था? हमको नहीं पता था इस बात का, अगर शादी के बारे में पता रहता तो हम नहीं। कहने का मतलब कि लूडो पे जिस लड़का से प्यार हुआ उसका भी शादी हो गया, उसका भी पहले से बच्चा है? हाँ बच्चा है, दो बच्चे हैं। इसके बाद भी आपके साथ कितना दिन तक रहा आपको, मतलब प्यार के झांसा में ला करके झूठ झूठ मूठ का शादी रचा करके कितना दिन तक रहा? 2020 में कॉन्टेक्ट हुआ था, 2023 में ये मार्च तक सही से बात विचार हुआ। ये 3 महीना से कोई झारखंड की लड़की। शादी करने के बाद आप उनके साथ थी या अलग अलग थे? नहीं साथ में रहते थे। साथ में कहाँ रहते थे? अपने घर पर रहते थे। पटना में? हाँ, नहीं जहानाबाद में। जहानाबाद में। हाँ। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आते थे जाते थे, जॉब भी करते थे, पेमेंट वेमेंट सब सारा पैसा देते थे, जब भी कभी भी जरूरत पड़ता था हमको मेरे बच्चे। अच्छा कौन लड़का था जरा दिखाइए फोटो, कौन लड़का था जरा फोटो देखना चाहेंगे कि कौन वो लड़का था जो लूडो से प्यार करके आपको पूरा झांसा में ला करके और इस मुकाम तक आपको लाके पहुंचा दिया, दिखाइए जरा इधर, दिखाइए कैमरे पे दिखाइए। देखिए यही लड़का था, यही लड़का था जो सामने बैठी हुई है, यही लड़की थी जो कि लूडो से इनको इनका प्यार हुआ। अच्छा ये बताइए पहले शादीशुदा ये हो चुका था, फिर आपसे शादीशुदा किया, अब ये क्या करता है?
उसके बाद तो रिलेशनशिप में दो लड़की के साथ है था। अभी दो लड़की के साथ है? दो लड़की के रिलेशनशिप में था, और जो ये फिर आई है ये अप्रैल में आई है लड़की, झारखंड से भाग के आई है, उसके साथ रह रही है, वो हमको गाली गलौज भी देती है, उसका नंबर भी है। अच्छा, अभी भी अब किसी और के साथ रह रहा है? अभी तीन महीना से रह रहा है। तीन महीना से रह रहा है। हमको बोलते है तू अपना पति को छोड़ दो। हम बोले हम क्यों छोड़े, अगर तुम्हारे पति को बोलेंगे हम। शादी शुदा की है तो कोई प्रमाण है आपके पास? कागज पत्र कुछ है, कुछ बनवाए हैं? मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट तो नहीं है, पर शादी का फोटो है, एक बज रहा है। तीन कौन सा फोटो, जरा दिखाइए फोटो कौन सा है, तभी ना समझ में आएगा कि आप शादी शुदा है कि नहीं है, कि शादी किए हैं कि नहीं किए हैं, कि बस ये कि प्यार का झांसा है, प्यार मोहब्बत यही चल रहा है दूर दूर से। अच्छा, यही फोटो जरा देखिए एक बार कि हाँ लड़का सही में शादी किया हुआ है, माला डालते हुए यहाँ पे फोटो है, आप देख सकते हैं फोटो में साफ साफ आपको दिख रहा होगा। अच्छा, यही लड़का, शादी तो हुआ है इनका। अच्छा, ये बताइए कैसे भरोसा कर लिए, शादी करने के बाद पता नहीं चला कि इनका शादी शुदा हो गया, पहले से बच्चा नहीं है? था, साल भर के बाद ही अपने गांव पर गया था तो इसकी बीवी से बात। आप कैसी लड़की हैं कि सिर्फ पति के साथ रह रहे हैं, उसका घर परिवार खानदान को नहीं देख रहे हैं? नहीं, उसके परिवार खानदान में कौन कौन है, कभी बात करने का प्रयास किया? किए हैं ना, प्रयास किए हैं, पर वो प्रॉमिस खाता था, कसम खाता था कि मेरी मम्मी नहीं है, कहाँ जाएगी, ले जाएंगे आपको, परिवार से मिलने का शौक है तो हम आपको ले जाएंगे या पहुँचा देंगे, जिससे मिलना है मिल लीजिए, उसका सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। का मतलब कि जो लड़का था वो पहली बीवी के साथ भी ब्लैकमेल वाला काम किया, उसको अंधेरे में रखा, और साथ साथ इनको भी दूर बाहर कहीं रखा अंधेरे में कि मेरी मम्मी नहीं है, अलग अलग तरह का बहाना, यही ना हुआ है? तो हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारा बात का। उसकी बेबी से भी बात होता था, बोलती है कि दीदी आप सजा दिलवाइए उसको, मुझे भी धोखा दे रहा है, आपको भी धोखा दे रहा है। फिर ऑनलाइन गेम खेलिएगा? नहीं, अब नहीं खेलेंगे, हमको कुछ नहीं खेलना है। अब इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए, फेसबुक डाउनलोड करिए, अच्छा अच्छा लड़का मिलेगा उसपे। हमको लड़का के पर से भरोसा टूट गया। अब नहीं, मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए। जब लूडो से प्यार हुआ उस समय पूरा भरोसा था ना? अब उस समय फर्स्ट पति था, छोड़ दिया, मम्मी पापा इजाजत दिए तो किए, नहीं देते नहीं करते। आपको तो उसी समय समझ आ जाना चाहिए कि जब पहला पति मारपीट किया, आपको जहर पिला रहा था, उसी समय समझ आ जाना चाहिए कि अगली बार अगर किसी शादी अगर भविष्य में करते भी हैं तो पूरा सोच समझ परख के करेंगे। आप ऑनलाइन गेम पे चले गए? शादी ब्याह से नफरत हो गया, लड़का से भी नफरत हो गया, अब नहीं करिएगा? नहीं कुछ। अब क्या करना है ये बताइए? हमको उसको सजा दिलवाना है बस। सजा दिलवाना? FIR किए हैं? करेंगे। कब करेंगे FIR? लिखवा लिए पर किए नहीं है, वो भी कर लेंगे। देख लीजिए, बार बार ये कह रही थी कि एक वीडियो बनाइए, हम वीडियो इनका बनाना नहीं चाह रहे थे। छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, उसको नहीं छोड़िएगा? नहीं छोड़ेंगे, मतलब उसको सजा दिलवा के रहेंगे। सजा दिलवा के रहिएगा ना? हाँ। क्या नाम था लड़का का? संजय सिंह नाम बताया था, आधार कार्ड। कौन से थाना में FIR कर रही है? अभी जहानाबाद से कर रही है। जहानाबाद का लोकल कौन सा थाना है? जहानाबाद है। अच्छा, जहानाबाद थाना, वहाँ FIR कर रही है। मूल निवासी आप कहाँ के? जहानाबाद की है। रिंकी कुमारी नाम है ना? हाँ, नहीं मुन्नी नाम है। मुन्नी कुमारी नाम है। देख लीजिए, हम लोग इनका वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, बस वीडियो इसलिए बना रहे हैं, इनको कहेगी इज्जत का बात है, सवाल का बात है, इसलिए मुंह पे मास्क भी पहना दिए थे। इनको बहुत समझाए हम लोग कि इस तरह से करने से नहीं चलेगा, कानूनी प्रक्रिया पर जाइए, हम लोग वीडियो बनाएंगे, झूठ मूठ का नाम उछलेगा, चेहरा सामने आएगा। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, जब तक हम सामने नहीं आएंगे तब तक ऐसे ऐसे लड़कों का पर्दाफाश कैसे होगा। वो पर्दाफाश करने के लिए सामने आई और हर एक बात को, एक एक पॉइंट को हम सामने रखे हैं। बाकी आप इन सब चीजों पर क्या सोचते हैं, हमारे भी घर में माँ बहन बेटी है, हम भी जानते हैं कि इज्जत क्या होता है, लेकिन मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बस इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को सीख मिले कि ऑनलाइन प्यार पर मत जाइए, धोखाबाजी ही ज्यादा से ज्यादा मिलता है, 99% तो धोखा ही मिलता है। माँ बाप के कहने पर शादी कीजिए, घर परिवार देख करके शादी कीजिए, यही कहेंगे आखिरी में हम। लड़का अब जो अभी आपसे बात उत करता है कि नहीं करता? नहीं करता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो फाइनली आपको अब सजा दिलवाना यही है? हाँ। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़की के बारे में आप क्या सोचते हैं, ऐसे अंधा प्यार के बारे में क्या सोचते हैं जो ऑनलाइन हो जाता है? धन्यवाद।